अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सभी अच्छे से होंगे। डियर फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में मैं लेकर आया हूं आपके लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लेसन से एक्सरसाइज 7.2। क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने पहली एक्सरसाइज पढ़ी और पहली एक्सरसाइज में आपने डिस्टेंस फार्मूला से डिस्टेंस निकाला कोई भी दो पॉइंट के बीच में, और 7.2 एक्सरसाइज के लिए मैं सेक्शन फार्मूला जो है उसके लिए मैं पहले ही वीडियो अपलोड कर चुका हूं। मैंने अच्छे से उसमें समझाया है कि सेक्शन फार्मूला क्या है, और वही सेक्शन फार्मूला है जिसका हम अप्लाई करने वाले हैं 7.2 एक्सरसाइज में। उम्मीद करूंगा कि सभी फ्रेंड्स उस सेक्शन फार्मूला की वीडियो को अच्छे से देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे सेक्शन फार्मूला क्या और उसका अप्लाई हम किस तरीके से करने जा रहे हैं। इन क्वेश्चंस में इस वीडियो को आप देखेंगे अच्छे से, तब जाके आप समझ लेंगे कि किस तरीके से अप्लाई किया जाता है सेक्शन फार्मूला का। मैंने आपसे कहा था कि सेक्शन फार्मूला से, जैसे कि डिस्टेंस फार्मूला से दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकाला जाता है, सेक्शन फार्मूला से हम क्या काम करते हैं कि दो पॉइंट को, अगर कोई एक पॉइंट, हम दो पॉइंट की जो जॉइनिंग है उसे आप किसी भी एक पॉइंट के साथ डिवाइड कर देते हैं, वो किस रेशो, वो किसी भी रेशो में आप डिवाइड कर सकते हैं, वो जो पॉइंट ऑफ डिवीजन होता है उस पॉइंट ऑफ डिवीजन के कोऑर्डिनेट्स क्या है, वो हमें सेक्शन फार्मूला से पता चलता है। जैसा कि आपके पास पहला ही क्वेश्चन है, मैं इस वीडियो में कम ही क्वेश्चन लूंगा क्योंकि वीडियो अपलोड करना काफी मुश्किल हो रहा है क्योंकि नेटवर्क जो है यहां पर उतना अच्छा नहीं है। तो 7.2 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन मैं लेने जा रहा हूं स्टूडेंट्स। पहला क्वेश्चन आपके पास है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1, 7 and 4, -3 इन द रेशियो 2:3। हमारे पास दो पॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में कहा गया आपके पास दो पॉइंट्स। इन दो पॉइंट को जॉइन, दो पॉइंट की जॉइनिंग को एक पॉइंट डिवाइड करता है रेशियो 2:3 में। क्वेश्चन में कहा गया जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आप दिखाएं। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिखाने के लिए ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स अच्छे से, अगर आपके पास दो पॉइंट हैं, यहां पर एक पॉइंट यहां पर है, दूसरा पॉइंट यहां है, ये दो पॉइंट हमारे पास हैं, इन दो पॉइंट की हम जॉइनिंग ले लेते हैं, ये इन दो पॉइंट का जॉइनिंग है। इन पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं, ये समझ लिया, अगर आपके पास पॉइंट ए है इसके कोऑर्डिनेट्स आपके पास है -1 and 7, और ये पॉइंट बी अगर आप ले लेते हैं, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स आपके पास हो गए 4 and -3। अब यहां पर कोई एक पॉइंट हमारे पास है, वो पॉइंट जो है वो 2:3 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये पॉइंट पी हम ले लेते हैं, ये पॉइंट पी जो हमारे पास है ये 2:3 रेशियो में डिवाइड करता है इस, ये पॉइंट पी हम ले लेते हैं, समझ ले यहां पर हमारे पास, चलिए ये मान लेते हैं कि ये पॉइंट पी यहां पर है, ये पॉइंट पी जो है ये 2:3 रेशियो में डिवाइड कर रहा है इस ए बी की जॉइनिंग को। इस पॉइंट पी के जो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं वो क्या है, हमें वो चाहिए। हम चलिए मान लेते हैं कि जो ये पॉइंट पी हमारे पास है इसके कोऑर्डिनेट हम ले लेते हैं एक्स एंड वाई, ठीक है। तो हम ले सकते हैं यहां पर, अच्छे से ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, हम यहां लिख सकते हैं लेट पी यानी एक्स एंड वाई डिवाइड्स, ये डिवाइड करते हैं ए बी को इन द रेशियो 2:3, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमने ले लिया कि पॉइंट पी है और इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स जो हमारे पास हैं ये एक्स और वाई हैं, ये डिवाइड करता है ए बी को 2:3 रेशियो में। अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है वो हमें मालूम नहीं है, ए के कोऑर्डिनेट्स भी मालूम है, बी के कोऑर्डिनेट्स भी मालूम है, जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है ए बी की जॉइनिंग को 2:3 रेशियो में उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें मालूम नहीं है। पॉइंट का नाम हमने पी ले लिया, इसके कोऑर्डिनेट्स हमने ले लिए एक्स एंड वाई। तो बाइसेक्शन फार्मूला हम जानते हैं, हम लिख सकते हैं यहां पर बाइसेक्शन फार्मूला, हम सेक्शन फार्मूला का अप्लाई कर सकते हैं। बार बार ये लिखने की जरूरत भी नहीं है कि आप यहां पर लिखें बाइसेक्शन फार्मूला, आप डायरेक्ट अप्लाई भी कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू, हम जानते हैं सेक्शन फार्मूला हो गया आपके पास m1x2 एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए प्लस m2x1 डिवाइडेड बाय m1 plus m2, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहां पर अच्छे से ध्यान रखिएगा क्योंकि a और b है, यहां पर ध्यान रखिएगा अच्छे से, a के कोऑर्डिनेट x1, b के कोऑर्डिनेट x, a के कोऑर्डिनेट x1 y1, b के कोऑर्डिनेट्स हो गए x2 and y2, ठीक है स्टूडेंट्स। ये जो रेशियो हमारे पास हो गया, ये हो गया m1, ये हो गया आपके पास m2। अब यहां उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ जाएंगे, अगर आपको फॉर्मूला याद है बिल्कुल अच्छे से कर सकते हैं। x इज इक्वल टू m1 x2
एम वन एक्स टू यानी 2 × 4 प्लस एम टू एक्स वन, एम टू यहां पर हमारे पास 3 के बराबर है और एक्स वन जो हमारे पास है वो -1 है, डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू आ गया आपके पास 2 + 3, 2 × 4 = 8 प्लस माइनस माइनस 3 × 1 = 3, 2 + 3 = 5, 8 − 3 आ गया 5, 5 / 5 = 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब एक्स हमें मिल गया, अब वाई निकालेंगे हम। y के लिए आपने देखा सेक्शन फार्मूला में m1y2 + m2y1 / m1 + m2, ठीक है। अब हम लेते हैं m1y2 + m2y1, m1 हमारे पास 2 के बराबर है, y2 हमारे पास -3 के बराबर है, प्लस m2y1 हमारे पास 3 के बराबर है और y1 जो है वो 7 के बराबर है स्टूडेंट्स। m1 + m2 आ गया आपके पास 2 + 3 = 2 × 3 आ गया 6, लेकिन -6 रहेगा क्योंकि एक निगेटिव है। 3 × 7 = 21 / 2 + 3 = 5, साइन बड़ी एब्सोल्यूट वैल्यू करेगा तो पॉजिटिव, 21 - 6 = 15 / 5 = 3। अब हमारे पास x भी मिल गया और y भी मिल गया, हम लिख सकते हैं हैंड्स। क्या चाहिए था हमें, क्वेश्चन में क्या कहा गया था, फाइंड दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ दी पॉइंट, तो हम लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स हैंस कोऑर्डिनेट्स ऑफ रिक्वायर्ड पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ रिक्वायर्ड पॉइंट आर। कोऑर्डिनेट्स क्या है स्टूडेंट्स, एक्स कोऑर्डिनेट हमारे पास 1 के बराबर है और वाई कोऑर्डिनेट हमारे पास 3 के बराबर है। उम्मीद करता हूं सभी स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ आया होगा पहला क्वेश्चन, कि पहले क्वेश्चन को आपने किस तरीके से किया, आपने अच्छे से देख लिया, आपने सेक्शन फार्मूला का अप्लाई किया और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूं सभी स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेने वाले, क्वेश्चन नंबर टू थोड़ा सा इससे अलग है स्टूडेंट्स। मैं चाहूंगा कि आप सभी अच्छे से ध्यान रखें और समझने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर टू आपके पास है, फाइंड दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4 - 1 and -2 - 3। जिस स्टूडेंट्स हमारे पास एक दो पॉइंट्स दिए गए हैं, उन दो पॉइंट की जो जॉइनिंग हमारे पास है, दो पॉइंट हमारे पास है 4 - 1 and -2 - 3, हमें पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। अब पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन जो हमारे पास है वो दो तरफ से निकल सकता है, आप लेफ्ट साइड से भी पॉइंट करें जो थर्ड पॉइंट आ जाएगा आपके पास, जो सेकंड साइड दूसरे साइड राइट साइड से स्टार्ट करें, और अगर काउंट करना तो आपके पास जो पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन होगा वो अलग होगा, लेफ्ट साइड से ले लें तो अलग होगा आपके पास, आप जानते हैं एक लाइन आपके पास अगर आपके पास है। तो हम क्या काम करेंगे, सबसे पहली चीज हम एक लाइन ले लेते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा अच्छे से, हम एक लाइन सेगमेंट ले लेते हैं, समझ लें यहां पर हमारे पास ये एक पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट है, ए के क्वाड्रेंट यहां पर हमारे पास पॉइंट ए है, ये हमारे पास पॉइंट बी है। ए के कोऑर्डिनेट्स भी आपके पास दिए हैं, ए के कोऑर्डिनेट्स जैसे कि हमारे पास दिए 4 and -1 और बी के कोऑर्डिनेट्स जो हमारे पास दिए हैं वो आ गया -2 - 3, ठीक है। किस रेशो में डिवाइड किया, डिवाइड कर रहा है यानी अब डिवीजन हमारे पास क्या होगा वो हम अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। जब ट्राइसेक्शन के कोऑर्डिनेट निकालने तो 1:2 भी हो सकता है, 2:1 भी हो सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स, आप दो तरीके से ले सकते, 1:2, 2:1 भी ले सकते हो, क्वेश्चन को एक से ज्यादा तरीके से आप कर सकते हो, जो मेथड मैं दिखाऊंगा इससे अलग मेथड भी आप कर सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। आप एक साथ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन जो है वो ले सकते हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स ले सकते हैं, आप अलग अलग करके पहले एक पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ले लेंगे फिर दूसरा आप ले सकते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं है इसमें, जरूरी नहीं कि मतलब मैंने जैसे दिखाया वैसे दूसरा भी दिखाए, मैं अलग तरीके से दिखाऊंगा किसी दूसरी जगह, आप इसे अलग तरीके से देख सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। तो पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ ए बी जो हमारे पास है वो डिवाइड करता है लाइन को, तो हम लिख सकते हैं यहां पर द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ ए बी, लेट द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ ए बी, पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ ए बी, ट्राइसेक्शन ऑफ ए बी डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो
टू इज टू वन। अब किस रेशो में डिवाइड किया स्टूडेंट्स, ध्यान रखिए यहां ए है यहां बी है, मैं यहां पर ले लेता हूं सी, ठीक है, टू इज टू वन एट सी। तो हम लेते हैं लेट द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ ए बी डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो टू इज टू वन एट सी। मैंने ले लिया कि पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन जो ए बी का है ये डिवाइड करता है ए बी को इन द रेशियो टू इज टू वन एट सी, टू इज टू वन में। अब कैसे, मैंने आपसे कहा कि आप दो तरीके से ले सकते हैं स्टूडेंट्स, यानी पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, तीसरा पॉइंट यानी वो पॉइंट जिसकी वजह से हमारे पास इसके हमारे पास जो है लाइन सेगमेंट के हमारे पास तीन पार्ट बनते हैं और तीन में से दो पार्ट जो है वो अलग लेते हैं आप और एक पार्ट अलग ले लेते हैं। यहां से स्टार्ट करते हैं, अगर एक पार्ट तीन इक्वल पार्ट आप इसके बना दें स्टूडेंट, यहां पर देखिए ध्यान हमने इसके थ्री इक्वल पार्ट बना दिए। अगर यहां से स्टार्ट करते हैं वन टू एंड थ्री, तीसरा पॉइंट यह, तो पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन सी हो गया। अब यहां से अगर स्टार्ट करते हैं हमको वन टू एंड थ्री, पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ये है, यानी पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन जो इस क्वेश्चन में हमारे पास है वो दो जगह है। तो हमें सिर्फ एक पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन के कोऑर्डिनेट्स नहीं चाहिए, हमें दोनों के कोऑर्डिनेट्स चाहिए स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हम क्या काम करते हैं, पहले हम सी के लिए कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं। तो हमने लिखा लेट द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ ए बी डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो टू इज टू वन एट सी। जो पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ए बी का हमारे पास सी हम लेते हैं, ये डिवाइड कर रहा है ए बी को किस रेशियो में, टू इज टू वन में, क्योंकि यहां तक जो है यहां से यहां तक दो पार्ट है और उसके बाद एक पार्ट हमारे पास आ जाता है अलग। तो हम यहां से ले सकते स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा ये जो हमारे पास है ये टू के बराबर है, दो पार्ट है, और यहां से जो हमारे पास पार्ट आ जाता है स्टूडेंट ये वन एक पार्ट है, ठीक है ना। टोटल तीन पार्ट इसके, तो ये हमारे पास रेशियो जो बन रहा है यहां पर टू इज टू वन है। तो ये जो हमारे पास हो गया, ये हो गया आपके पास एम वन, ये हो गया आपके पास एम टू। तो हमारे पास पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन सी के लिए ये जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे, ये हो गया हमारे पास एक्स वन वाई वन, यहां आ गया आपके पास एक्स टू वाई टू। तो सी के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, तो हम लिख सकते हैं देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी आर। अब हमें बार बार लिखने की जरूरत नहीं है भाई, सेक्शन फार्मूला आपको पता है कि आपने सेक्शन फार्मूला से ही निकालने हैं। तो हम लिख सकते हैं देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी आर, सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, पहला कोऑर्डिनेट जो हमारे पास होता है वो क्या, एक्स कोऑर्डिनेट, दूसरा हो गया वाई कोऑर्डिनेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट के लिए आपको मालूम है कि एक्स कोऑर्डिनेट होता है एम वन एक्स टू। तो अब हम बार बार फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, आप डायरेक्ट अप्लाई करेंगे एम वन एक्स टू, एम वन टू के बराबर है और एक्स टू जो आपके पास है वो यहां पर माइनस टू है, प्लस एम टू वाई वन, एम टू वन के बराबर है और एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन, एम टू वन के बराबर है और एक्स वन हमारे पास फोर के बराबर है, सो वन इंटू फोर डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू यानी टू प्लस वन। इसी तरीके से वाई कोऑर्डिनेट एम वन वाई टू, एम वन टू के बराबर है, वाई टू जो हमारे पास है वो माइनस थ्री है, प्लस एम टू वाई वन, एम टू वन के बराबर है और वाई वन जो हमारे पास है वो माइनस वन के बराबर है, डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू, वो आ गया आपके पास टू प्लस वन इज इक्वल टू टू इंटू टू, आ गया आपके पास फोर, ध्यान रखिएगा अच्छे से, तो बन गया माइनस फोर। उसके बाद प्लस वन इंटू फोर आ गया आपके पास फोर, टू प्लस वन आ गया आपके पास थ्री, टू इंटू थ्री आ गया हमारे पास सिक्स, वन इंटू माइनस वन रहेगा माइनस वन, डिवाइडेड बाय टू प्लस वन इज इक्वल टू थ्री इज इक्वल टू, ध्यान रखिए स्टूडेंट्स। अब यहां पर माइनस फोर प्लस फोर आ गया जीरो, जीरो डिवाइडेड बाय थ्री जो है वो जीरो ही रहेगा। तो हम यहां लिख सकते हैं हमारे पास जगह है, तो यहां पर आ गया आपके पास जीरो, माइनस सिक्स माइनस वन हो गया आपके पास माइनस सेवन, तो बन गया माइनस सेवन डिवाइडेड बाय थ्री। थोड़ा ऊपर मैं ले लेता हूं यहां पर स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा अच्छे से क्योंकि यहां जगह नहीं है। तो यहां पर आप लिख सकते हैं जीरो और उसके बाद माइनस सेवन डिवाइडेड बाय थ्री। उम्मीद करता हूं कि सी के कोऑर्डिनेट सभी स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ आ गए कि सी के कोऑर्डिनेट्स हमने किस तरीके से निकाले। अब मैं ये सी के कोऑर्डिनेट्स यहां लिख लेता हूं ताकि आप अच्छे से याद रखें, यहां पर आ गया जीरो और माइनस सेवन डिवाइडेड बाय थ्री। अब हमें एक पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन के कोऑर्डिनेट्स मिल गए, दूसरे पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन के कोऑर्डिनेट्स हमें चाहिए स्टूडेंट्स। तो हम क्या काम करते हैं, जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा, आप एक तरीका यह अप्लाई कर सकते हैं कि पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन जो हमारे पास होगा यहां पर आप ले सकते हैं यहां पर डी। तो रेशियो हमारे पास क्या बन रहा है, यहां से वन इज टू टू, यहां आ गया एक पार्ट, यहां इस डी के यहां से डी से बी तक दो पार्ट बनते हैं। नहीं तो आप दूसरा तरीका ये ले सकते हैं, आप ये जानते हैं कि ये डी जो, क्योंकि ये तीन इक्वल पार्ट है,
जब ये इक्वल पार्ट है तो इसका मतलब ये है कि ए और सी जो हमारे पास है उनके सेंटर में हमारे पास डी होगा, तो डी इज द मिड पॉइंट ऑफ सी, तो हम लिख सकते हैं लेट डी बी द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। हम ऐसे लिख सकते हैं लेट डी बी द मिड पॉइंट ऑफ, क्योंकि ये होगा ए सी ए बी का मिड पॉइंट, लेट डी बी द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो डी जो है वो ए सी के लिए मिड पॉइंट बन गया। अब हम क्या काम करते हैं, इसके लिए कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं, देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी आर। अब डी के कोऑर्डिनेट्स हम निकालते हैं, अब डी के कोऑर्डिनेट्स के लिए, क्योंकि जब ये मिड पॉइंट है स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, तो ये वन के बराबर होगा, यहां भी वन के बराबर होगा, वन प्लस वन आ गया टू, क्योंकि दो पार्ट इसके बनेंगे तो दोनों इक्वल पार्ट होंगे हमारे पास, तो वन इज टू वन हमारे पास रेशियो होगा। तो हम लिख सकते हैं देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी आर, डी के जो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है वो गया आपके पास m1 x2 यानी 1 इंटू जीरो, ठीक है, प्लस m2 x1। अब यहां पर x1 y1 चेंज हो गया, x1 y1 यही रहेगा, x2 y2 बन गया ये हमारे पास, अब ये x2 y2 नहीं है ध्यान रखिएगा अच्छे से। तो m1 आ गया 1 के बराबर, x1 x2 आ गया आपके पास 0, 1 इंटू जीरो, प्लस m2 m2 x1, m2 हमारे पास 1 के बराबर है और x1 हमारे पास 4 के बराबर है, सो 1 इंटू 4 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 1। फिर उसके बाद आपके पास आ गया m1 y2 y कोऑर्डिनेट, m1 y2 आ गया आपके पास माइनस 7 बाय 3, प्लस m2 y1 तो आ गया आपके पास 1 इंटू माइनस 1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 1 इज इक्वल टू, ध्यान रखिए इस पर 1 इंटू 0 0 ही रहेगा, 1 इंटू 4 4 1 प्लस 1 2, 1 इंटू माइनस 7 आ गया माइनस 7 बाय 3 बनेगा, प्लस माइनस माइनस 1 इंटू 1 1, ये 1 इंटू 1 1 ही रहेगा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 आ गया आपके पास 2। यहां रखिए स्टूडेंट्स अच्छे से ध्यान, 0 प्लस 4 वो आ गया 4 डिवाइडेड बाय 2, और यहां पर आपके पास है माइनस सेवन माइनस वन डिवाइडेड बाय थ्री, तो यहां पर ऐसे बन सकता है स्टूडेंट, यहां पर रखिए ध्यान, माइनस सेवन डिवाइडेड बाय थ्री माइनस वन, तो ये बनेगा माइनस सेवन माइनस वन इंटू थ्री आ गया माइनस थ्री डिवाइडेड बाय थ्री, तो ये बन गया माइनस टेन डिवाइडेड बाय थ्री। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं माइनस टेन डिवाइडेड बाय थ्री होल डिवाइडेड बाय टू इज इक्वल टू, फोर को टू के साथ डिवाइड करें तो टू, यहां पर माइनस टेन डिवाइडेड बाय थ्री होल डिवाइडेड बाय टू, आप यहां पर रेसिप्रोकल ले सकते हैं माइनस टेन डिवाइडेड बाय थ्री इंटू वन डिवाइडेड बाय टू, क्योंकि टू का रेसिप्रोकल आप ले लें, यहां पर टू का डिनोमिनेटर वन है, टू वन आर टू, टू फाइव आर टेन, तो बन गया माइनस फाइव इंटू वन आ गया माइनस फाइव डिवाइडेड बाय थ्री, माइनस फाइव डिवाइडेड बाय थ्री। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स कि आप सभी को यह अच्छे से समझ आया होगा। इस तरीके से हमारे पास पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन के कोऑर्डिनेट्स मिल जाते हैं स्टूडेंट्स, आप ध्यान रखिएगा अच्छे से। तो हम यहां पर देखें पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, अगर सी आपके पास है तो इसके कोऑर्डिनेट जीरो और माइनस सेवन बाय थ्री है, अगर पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन आपके पास डी है तो इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास बन रहे हैं टू एंड माइनस फाइव बाय थ्री, तो हम यहां पर लिख सकते हैं हेंस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, हेंस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ ए बी, पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ ए बी आर, इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या हो गए स्टूडेंट, पहले हो गया जीरो माइनस सेवन बाय थ्री, और उसके बाद जो कोऑर्डिनेट्स आपके पास हो गए वो आ गया टू एंड माइनस फाइव बाय थ्री। उम्मीद करता हूं सभी स्टूडेंट्स को ये अच्छे से समझ आया होगा, और सभी स्टूडेंट्स कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन को एक दो मतलब आप प्रैक्टिस करेंगे जब आप, तो आप यकीन जाने कि आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा, कोई कंफ्यूजन किसी बच्चे को नहीं रहेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्टूडेंट्स को मेरी वीडियो जो है वो अच्छे से पसंद आए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो है वो आगे क्वेश्चन में लेकर आऊंगा आपके लिए। अल्लाह हाफिज़।